हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में दिल से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुन लिया होगा और अगर नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम डेट है, 14 एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और ये कल 10/10/2019 को नोटिफिकेशन आया है। हालांकि मैं नाइट में आपको बता नहीं पाया, लेकिन अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूं। और एक अच्छी खबर है, तो जो साथी जिन्होंने पीआरटी या जो एनटीटी का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम आ चुका है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। और इसके बाद बता देना चाहता हूँ, एक कन्फ्यूजन और है स्टूडेंट्स को कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा, तो उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन करें। हालांकि टाइम बहुत कम मिला है, लेकिन कोई नहीं, जितना टाइम मिला है उस टाइम को अच्छे से यूज करें, क्योंकि कंफ्यूज होने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं, जो भी साथी प्रिपरेशन करना चाहता है, फ्री नोट्स पाना चाहता है, इंग्लिश क्लासेस लेना चाहता है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, क्योंकि अब टाइम एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, तो देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 14 एग्ज़ाम्स हैं और जिनकी जो कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, ये 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो एग्ज़ाम है, ये सभी एग्ज़ाम इतनी शिफ्ट में होंगे, या मतलब ये 10 डेट दे रखी है एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम होगा 10 डेट में एग्ज़ाम होगा, 8 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, 29 नवंबर तक एग्ज़ाम होंगे। और जो असिस्टेंट प्राइमरी वाला है, असिस्टेंट नर्सरी वाला है, तो ये भी आप देख लीजिए, इसमें एक फिक्स डेट नहीं दे रखी कि किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। अब ये आप समझ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम 8/11/2019 को भी हो सकता है, आपका एग्ज़ाम 29/11/2019 को भी हो सकता है, मतलब 8 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब आप प्रिपरेशन में लग जाइए। तो अभी देखते हैं क्या होता है, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो 10 डेट दे रखी है यहाँ पे अलग अलग, तो इसमें या तो हो सकता है कि एक एग्ज़ाम को एक दो शिफ्ट में करा दें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा शिफ्ट में कराएंगे। और यहाँ पे लग रहा है कि एक दिन में दो एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए और आपके जो डाउट्स हैं प्लीज़ आप कंफर्म कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म भी फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यही अपडेट है आप लोगों के लिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। और नोट्स के लिए, फ्री क्लासेज के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट जरूर करें। जय हिंद।